हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आप सबका स्वागत करते हैं छोटे से एजुकेशन में। तो आज की सीरीज में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 9। क्या नाम है चैप्टर 9 का? हमारा चैप्टर 9 है लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे मोशन की कितने लॉ है और किसने दिया। ठीक है, तो सबसे पहले फोर्स। फोर्स क्या है? तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं फोर्स क्या है। मैंने फोर्स को डिफाइन किया है। ए फोर्स इज एन एफर्ट दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और एट मोशन। इट कैन चेंज एन ऑब्जेक्ट डायरेक्शन एंड वेलोसिटी। फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है? एक प्रकार का एफर्ट है। ठीक है, फोर्स क्या है? एफर्ट है। हम भी क्या करते हैं, कुछ इधर उधर हटाने के लिए क्या एफर्ट लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, तो वही क्या है, वो एक फोर्स है जो किसी एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में, ले जाने में हम लोग यूज करते हैं ना। कारण बनता है, कॉज बनता है एक जगह से दूसरी जगह में उसको डिस्प्लेस करने के लिए, या कहे तो उसके वेलोसिटी में चेंज लाने के लिए। मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इसे कोई धक्का दे रहा है और मैं आया इस पे और एक फोर्स लगा दिया, मैंने भी उसमें धक्का देना शुरू कर दिया, तो उसका इस वेलोसिटी हो गया आपको 40 मीटर पर सेकंड। तो ये मैं क्या किया, वेलोसिटी बढ़ा दिया। तो फोर्स क्या करता है? फोर्स एक एफर्ट है जो कि हम किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में, उसको डिस्प्लेस करने में यूज करते हैं, या फोर्स एक ऐसा एफर्ट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने का कॉज होता है, और या कहें तो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। फोर्स एक इस प्रकार एक ऐसा एफर्ट है जिसके हेल्प से हम किसी के ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए फाइल ऐसे रेक्टेंगुलर शेप पे है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे अपने हाथों से गोल कर सकता। ये क्या किया? इसका शेप चेंज किया। किसकी मदद से? फोर्स के हेल्प से। ठीक है, बल, ठीक है, इसकी मदद से मैं इसका शेप चेंज कर दिया। ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जिसकी शेप हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक बोतल ही मान लो, एक बोतल रहेगा, ठीक है, एक बोतल है गोल में, हम लोग क्या करेंगे, इधर से भी दम लगाएंगे, इधर से भी दम लगाएंगे, मतलब बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, और वो क्या होगा, वो हो जाएगा चिपटा, हो जाएगा ना। तो किसके वजह से हुआ? फोर्स की वजह से। तो फोर्स क्या है? फोर्स हमारा एक प्रकार का एफर्ट है जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वन प्लेस टू दूसरे प्लेस हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। फोर्स एक प्रकार का एफर्ट है जिसके जिसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में क्या कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। और साथ ही साथ फोर्स एक एफर्ट है जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप में चेंजेस ला सकते हैं। और ऐसे कहा जाता है फोर्स कैन बी डिफाइंड पुश और पुल, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को हम खींचने में और किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देने में, पुश करने में और पुल करने में जो यूज करते हैं वो क्या है, वो फोर्स है। फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पुश और पुल की मदद से। एक हम लोग एफर्ट लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, एक एफर्ट लगाते हैं हम लोग किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचने के लिए। जैसे आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे बच्चे हैं तीन तीन करके बोथ साइड, और तीनों क्या कर रहे हैं, तीन एक अपनी तरफ बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और तीन अपनी तरफ फोर्स लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो फोर्स का यूज कर रहे हैं। ये क्या है? फोर्स है जिसकी हेल्प से वो बच्चे, कोई एक उसमें से विनर टीम होगा, जो ज्यादा फोर्स लगाएगा उसकी तरफ वो सारे नीचे चले आएंगे, है कि नहीं। जैसे कि सेकंड वाले में 400 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और एक ग्रुप है 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली 400 न्यूटन वाला जो फोर्स है, जिस साइड फोर्स है वो ज्यादा है, तो वो अपनी तरफ उन लोगों को खींच लेगा। तो आई होप आप लोगों को फोर्स समझ आ गया कि फोर्स क्या है। फोर्स एक कॉज है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, उसके शेप में चेंजेस ला सकते हैं, उसका वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को वन प्लेस टू दूसरे प्लेस हम लोग डिस्प्लेस कर सकते हैं। क्लियर? फोर्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स।
बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड फोर्स, तो मैं इसे मिटा देता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बैलेंस्ड फोर्स क्या। बैलेंस्ड फोर्स, अब बैलेंस्ड वर्ड में छिपा है ये बैलेंस, वेव फोर्स कैसा होगा, है ना। बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस, बैलेंसिंग, आप लोग समझते हैं। जैसे मैं ये पेन है इसको अपने फिंगर पर रख रहा हूं तो ये गिरेगा, लेकिन एक ऐसी जगह इसको हम लोग कर लेंगे, एक बैलेंस ऐसा मिला लेंगे कि ये नहीं गिरेगा, है ना, यही बैलेंसिंग है। तो ठीक इसी तरह बैलेंस्ड फोर्स जो है एक ऐसा फोर्स है जिसके वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंजेस नहीं आता। यहाँ पे मैंने डिफाइन किया, व्हेन बैलेंस्ड फोर्स आर अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट देयर विल बी नो नेट इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। बैलेंस्ड फोर्स डू नॉट कॉज अ चेंज इन मोशन। बैलेंस्ड फोर्स अगर हम लोग किसी एक ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, वो उसके अंदर मोशन नहीं आएगा और ना ही उसमें कोई इफेक्टिव फोर्स लगेगा। नेट इफेक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो रहेगा। क्या रहेगा, नेट इफेक्टिव फोर्स जीरो है। मान लीजिए एक फ्लोर है, उसके ऊपर आपका एक टेबल है, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, टेबल है। आप इस साइड से धक्का दे रहे हैं, ठीक है, आपका भाई इस तरफ से धक्का दे रहा है, दोनों क्या हो, जुड़वा हो, दोनों के पास बराबर की ताकत है और ये दोनों बराबर की ताकत लगा रहे हैं, वो ये इधर धकेल रहा है, ये इधर धकेल रहा है और दोनों बराबर की ताकत लगाएंगे तो क्या ये टेबल किसी तरफ मूव करेगा, क्या किसी की तरफ चला जाएगा, नहीं ना। ये तो हम सब प्रैक्टिकल लाइफ में फील कर सकते हैं। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स टोटली फील है, आप लोग जितना फील करेंगे उतना ही फिजिक्स को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टेबल के जब बैलेंस्ड फोर्स लग गया, ये क्या हुआ, ये भी 5 न्यूटन का मान लो और इधर से भी 5 न्यूटन का, तो ये एक बैलेंस्ड फोर्स हो गया। क्या हो गया, बैलेंस्ड फोर्स, दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट में फोर्स आया और जब ये इक्वल अमाउंट में फोर्स आया तो इस टेबल के मोशन में कोई मोशन नहीं होगा, ये किसी की तरह डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा। नेट इफेक्टिव फोर्स हमारा, नेट इफेक्टिव फोर्स जिसकी वजह से इफेक्टिव फोर्स जिसकी वजह से इफेक्ट आया, तो नेट टोटल इफेक्टिव फोर्स हमारा जीरो हो जाएगा। नेट इफेक्टिव फोर्स जीरो, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों सेम फोर्स लगा रहे, सेम अमाउंट का फोर्स लगा रहे, दो डायरेक्शन, दो अलग अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इस टेबल में कोई मोशन नहीं आएगा, एक जगह अपनी ही जगह पे बना रहेगा, इसके डायरेक्शन में भी कोई चेंजेस नहीं होगा। तो एक बैलेंस्ड फोर्स एक फोर्स है जो हम किसी ऑब्जेक्ट पर जब अप्लाई करते हैं तो ना ही उसमें मोशन आता है, नेट इफेक्टिव फोर्स जीरो होता है, उसके डायरेक्शन में भी चेंजेस नहीं होती, उसके डायरेक्शन में भी चेंजेस नहीं होती है, ठीक है ना। ये इधर भी नहीं जाएगा, ये इधर भी नहीं जाएगा, डायरेक्शन भी नहीं चेंज होगा, डायरेक्शन भी नहीं चेंज होगा, क्लियर। बैलेंस्ड फोर्स, अब बैलेंस्ड फोर्स का ऑपोजिट होता है अनबैलेंस्ड फोर्स, तो ये तो आप लोग समझ गए, फिर भी हम लोग उसको भी एक बार चलते, बैलेंस्ड फोर्स, फोर्स का ऐसा यूनिट, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, एन से, क्लियर। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। फोर्स को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, कैपिटल एफ से। अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब कि जो फोर्स अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पे वो बैलेंस्ड नहीं होगा, क्या होगा, अनबैलेंस्ड। जैसे कि थोड़ी देर पहले जो मैं एग्जांपल लिया था कि एक टेबल है, रखा हुआ है, आप इधर से फोर्स लगा रहे थे, आप कितने ईयर के हो, 8 ईयर के, और 8 ईयर ओल्ड, और आपका बड़ा भाई इधर से फोर्स लगा रहा है, वो कितने ईयर है, 13 ईयर ओल्ड,
अब ये चीज मैं एज आपको बता रहा हूं क्योंकि इससे आपको समझ आएगा कि 13 ईयर में ज्यादा ताकत होगा, है ना। 13 ईयर में ज्यादा ताकत होगा क्योंकि दोनों तंदुरुस्त फिट एकदम, ठीक है, हेल्दी है। तो जब दोनों फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ये जो है इधर फोर्स लगा रहा है, ये जो है इधर फोर्स लगा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि 8 साल का बच्चा को आसानी से धक्का दे देगा, उसको पीछे की तरफ धकेल लेगा, यानी कि मेज जो है इधर मूव कर जाएगा, है कि नहीं। किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या हुआ, जो फोर्स लगाया गया वो दोनों फोर्स बैलेंस्ड नहीं थे, दोनों का अमाउंट इक्वल नहीं था, जिसकी वजह से जिस जिस फोर्स का ज्यादा अमाउंट है वो ऑब्जेक्ट उसके डायरेक्शन में, वो जिधर फोर्स लगाया उसके डायरेक्शन में मूव करेगा। हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं तो जिस तरफ अपना धक्का देंगे उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, तो हमेशा कोई ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और इसका फोर्स इस डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पे इसका फोर्स 500 था न्यूटन और इसका फोर्स 800 न्यूटन था एग्जाम्पल। तो 800 न्यूटन क्या हुआ, ज्यादा हुआ, 300 न्यूटन ज्यादा हुआ। 800 माइनस 500 कितना होगा, 300। 300 न्यूटन फोर्स इसका ज्यादा हुआ, है ना, इसका क्या हुआ, ज्यादा हुआ। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो अनबैलेंस एक ऐसा फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जिसका फोर्स ज्यादा होता है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, उसके डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव करता है। आप लोग देख सकते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स स्पीड और डायरेक्शन और मोशन, इट मूव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विद द हाईएस्ट मैग्नीट्यूड। अनबैलेंस्ड फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट के स्पीड में चेंजेस ला देता है, जैसे कि पहले ये रेस्ट में था, रेस्ट में थोड़े देर के लिए जब इसको मूव करेगा, थोड़े देर के लिए मूव करके मान लीजिए यहाँ ला दिया, यहाँ ला दिया, तो कुछ देर आते नहीं तो वो कुछ स्पीड लिया ना। हम लोग जब टेबल को धक्का देंगे तो वो कुछ देर के लिए तो चलेगा ना, तो वो क्या किया, उसको स्पीड दे दिया, है कि नहीं। हम चाहे तो उसका डायरेक्शन भी चेंज कर दें, अनबैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि इसमें नेट इफेक्टिव फोर्स जीरो नहीं होता, इसमें एक मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का, और जिसका हाइएस्ट मैग्नीट्यूड होगा जिस फोर्स का, मान लीजिए 4-5 फोर्स एक साथ लगा रहा है और जिस आदमी का ज्यादा बल रहेगा, जिसका फोर्स ज्यादा लगेगा, जिसकी तरफ से फोर्स ज्यादा लगेगा उसकी तरफ फोर्स एक्ट करेगा और वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि इट मूव्स, मतलब ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विद द हाईएस्ट मैग्नीट्यूड। जो ऑब्जेक्ट है वो उस फोर्स की तरफ मूव करेगा, उस फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। मैग्नीट्यूड यानी कि उस फोर्स का अमाउंट है 500 न्यूटन, 800 न्यूटन। इसमें क्या, ये मैग्नीट्यूड है 800 न्यूटन ऐसा यूनिट, और फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसका एक डायरेक्शन होता है कि ईस्ट की दिशा में, डायरेक्शन में, वेस्ट की डायरेक्शन में, साउथ के डायरेक्शन में, अपवर्ड डाउनवर्ड, ये सब क्या है, अपवर्ड डाउनवर्ड सॉरी, ये सब क्या है, डायरेक्शन है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। क्लियर, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स भी आप लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ मोशन, क्या लॉज ऑफ लॉज ऑफ मोशन। तो देखिए सबसे पहले एक वैज्ञानिक गैलीलियो ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर एक फ्रिक्शनलेस पाथ पर, फ्रिक्शनलेस समझते हैं ना आप लोग, फ्रिक्शन के बारे में जानते हैं, फ्रिक्शन यानी कि उस पे रूखापन सरफेस पे ना, फ्रिक्शन यानी कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट में अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है, घर्षण है ना, फ्रिक्शन। जैसे कि हम लोग चलते हैं तो हम लोग फ्रिक्शन के हेल्प से ही चल पाते हैं, तो हम लोग क्या जाते हैं, स्लिप खा जाते हैं, और स्लिप कहाँ खाते हैं, जहाँ फ्रिक्शन कम होता है। तो फ्रिक्शन के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो एक फ्रिक्शनलेस पाथ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा। किसने कहा ये, गैलीलियो ने कहा। गैलीलियो फर्स्ट ऑफ ऑल सेड दैट ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन देम, ठीक है। दिस मींस इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन फ्रिक्शनलेस पाथ एंड नो अदर फोर्स एक्टिंग अपॉन इट,
द ऑब्जेक्ट वुड बी मूविंग फॉरएवर, ठीक है, जो मैं आवाज बोला। इसके बाद दैट इज, देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, इसका मतलब उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं कर रहा है। बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, पर ये वास्तविकता में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज टू अटेन द कंडीशन ऑफ जीरो अनबैलेंस फोर्स इज पॉसिबल। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ एयर एंड मेनी अदर फोर्सेस आर ऑलवेज एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट। क्या होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, फ्रिक्शन जो अपोजिंग फोर्स होता है किसी भी सर्फेस द्वारा एक्ट किया जाता है, एयर का भी फ्रिक्शन होता है, वाटर का भी हम लोग को एक अपोजिंग फोर्स लगता है, ऐसे पानी में हाथ मार के देखेंगे आपको हाथ को चोट लगेगा कि नहीं। तो ये सब बहुत सारे ऐसे अपोजिंग फोर्स है जो हमेशा एक्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट में। लिखा है लास्ट में देखिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ एयर एंड मेनी अदर फोर्सेस ऑलवेज एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, एयर फ्रिक्शन है, सरफेस फ्रिक्शन है, ये सब हमेशा किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये गैलीलियो ने जो बात कही है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, ठीक है। इसके बाद इसी सिद्धांत को, ये गैलीलियो की बात को ही स्टडी करके न्यूटन ने गति का कितना नियम दिया, मोस्ट लॉज ऑफ मोशन में कितने लॉज दिए, तीन लॉज। क्या दिए, तीन लॉज। तो हम लोग तीन लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट लॉ है हमारा, लॉ ऑफ इनर्शिया, जो हम लोग इसको नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, उसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। क्यों, तो चलिए हम लोग पहले इनर्शिया पढ़ते हैं, उसके बाद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। इनर्शिया, इनर्शिया क्या है, देखिए इनर्शिया बेसिकली ऑल ऑब्जेक्ट हैव अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ ए मोशन और रेस्ट, दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड इनर्शिया। ऑल बॉडीज डू नॉट हैव द सेम इनर्शिया, इनर्शिया डिपेंड ऑन द मास ऑफ अ बॉडी, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, मोर द मास मोर द इनर्शिया। देखिए इनर्शिया एक टेंडेंसी है, क्या है, एक टेंडेंसी है जो कोई भी ऑब्जेक्ट शो करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, दुनिया में जितने ऑब्जेक्ट है, जितने चीजें हैं, वो सब शो करते हैं क्या, कि अगर वो रेस्ट में है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेंगे। इसमें हम लोग जब तक कि एक अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते, वो क्या करेगा, वो रेस्ट में रहना चाहेगा। अगर इसमें हम लोग फोर्स लगा भी रहे हैं तो वो रेस्ट में रहने के लिए अपोज करता है, क्या करता है, रिजिस्ट करता है, वो मोशन में नहीं आना चाहता, वो रेस्ट में रहना चाहता है, ठीक है। ठीक इसी तरह अगर कोई मोशन में है, ठीक है, कोई मोशन में है, वो मूव कर रहा है, उस पर हम लोग एक अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे तो देखेगा रोकते 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 चीजें रुकती है। अगर कोई स्पीड से चीज आ रही है उसको रोकेंगे तो रोकते रोकते रुकेगा, क्यों, क्योंकि वो मोशन में है ना, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहना चाहेगा, वो रेस्ट में रहना नहीं जाएगा, वो मूव कर रहा है तो वो मूव करते रहना चाहेगा जब तक उसने अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो फर्स्ट लॉ है, आगे देखेंगे। बस आप इतना टेंडेंसी याद रखिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक ऐसा टेंडेंसी शो करता है जिसमें वो अपने स्टेट में रहना चाहता है, वो जो स्टेट में चेंजेस आता है उसको रेजिस्ट करता है। जैसे कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में आने के लिए वो रेजिस्ट करेगा। अगर कोई मोशन में है तो वो रेस्ट में नहीं आना चाहेगा, वो मोशन में ही रहना चाहेगा, वो रेस्ट में मोशन में ही रहने के लिए क्या करेगा, चाहेगा, और वो रेस्ट में आने के लिए रेजिस्ट करेगा, वो नहीं चाहेगा कि मैं रेस्ट में हूं। तो ये है लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया में दो बार, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो ऐसा टेंडेंसी शो करेगा जिसमें वो मोशन में आने चीज को रेजिस्ट करेगा, वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, ठीक है। इसके बाद जैसे कि अगर कोई बॉल है, फुटबॉल है, यहाँ पे मैं इसको क्या किया, किक मारा, क्या किया, किक मारा, थोड़ी देर तो मूव किया लेकिन फिर जाके वो रेस्ट में आ गया, है कि नहीं। इसके बाद क्या वो कंटिन्यूसली मूव किया, नहीं। इसके बाद फिर अगर हम लोग किसी बस में ट्रेवल करते हैं, आप लोग फील किए होंगे, बस में ट्रेवल करते हैं, हाँ मान लो बाइक में तो नहीं होता, मुझे किसी एक कार में है, ठीक है,
कार में है, आप लोग अंदर बैठे हैं, आप यहां से ये बैठे हैं अंदर। जब कार मूव करता है तो आप तो ठीक है मूव करते हैं ना, लेकिन कार अचानक से रुक जाए तो आप ऐसे झुक जाते हैं। हमारा ये हिस्सा नहीं झुकता, आगे का हिस्सा ऐसे झुक जाता है। क्यों? इनर्सिया की वजह से। कार मूव कर रहा है ना, तो उसके साथ साथ हमारा बॉडी भी मूव कर रहा है, हम ऐसा फील करते हैं कि हम भी मूव कर रहे हैं। और जब कार अचानक से रेस्ट में हो जाए तो हम ऐसे की तरफ झुक जाएंगे, क्योंकि हमारा बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, वो जो रेस्ट में आ जाता है उसको अपोज करता है। ये क्या है? इनर्सिया ऑफ मोशन। ठीक है, तो इनर्सिया ऑफ मोशन, इनर्सिया ऑफ रेस्ट समझ गए होंगे कि क्या है। इनर्सिया यानी कि वो अपने स्टेट में ही रहना चाहेगा, वो जो स्टेट चेंज होना है उसको रेजिस्ट करता है। रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में तो मोशन में रहना चाहेगा। ठीक है, तो यही था इनर्सिया। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इनर्सिया समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ भी सेम इनर्सिया की ही बात करता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, जब तक कि कोई उस पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करता उसके स्टेट में। ठीक नहीं, यही बात है। ए बॉडी कंटिन्यूड इन न्यूटन्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स। द फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्सिया। मतलब फर्स्ट लॉ हमारा कहता है कि ए बॉडी कंटिन्यूअसली टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन समझते हैं ना, एकदम सेम स्पीड के साथ, स्पिन सेम स्पीड, उसमें पहले स्पीड में चेंजेस नहीं आता है, तो वो कंटिन्यूअसली रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगा एक स्ट्रेट लाइन में, जब तक कि कोई उस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करता। क्लियर? मतलब वही वाला इनर्सिया, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। इनर्सिया यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं? रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे और मोशन में तो मोशन में, जब तक उस पर एक दूसरा अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इनर्सिया, यानी कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, जब तक कि कोई इस पे दूसरा अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करते। इस पे हम लोग रेस्ट में था, फोर्स लगाए, ये मूव कर गया, ये मोशन में है, इस पे फोर्स लगाए अपोजिट डायरेक्शन में, ये रेस्ट में आ गया। तो ये कंटिन्यूअसली कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म मोशन करेगा, जब तक कि कोई उस पर अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करता, और कोई बॉडी तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करता। जैसे कि एक फुटबॉल कहीं पड़ा हुआ है, उस पर तुम अनबैलेंस फोर्स कुछ नहीं लगाओगे तो क्या वो फुटबॉल 10 साल बाद भी वहां से हिलेगा? नहीं, उस पर एक फोर्स लगेगा, या वो एयर का ही फोर्स लग जाए, तूफान आंधी तूफान का बात अलग है, लेकिन जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा वो बॉल मूव नहीं करेगा, क्योंकि एक हवा का प्रेशर भी फोर्स ही आया, एयर ने फोर्स लगाया। तो जब तक उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा वो रेस्ट में ही रहेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्सिया। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। जो इनर्सिया समझ गया ना उसको न्यूटन फर्स्ट लॉ में भी दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने इनर्सिया को सबसे पहले अच्छी तरह से समझाया। इनर्सिया ही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसलिए हम लोग कहते हैं फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्सिया। इसके बाद हमारा है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो उसमें हम लोग को सेकेंड लॉ को समझने से पहले मोमेंटम समझना पड़ेगा। लिखा है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सेकेंड लॉ वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड मोमेंटम। तो चलिए मोमेंटम समझ लेते हैं। देखिए मोमेंटम जो है
हम लोग ये वर्ड सुनते आए हैं, ज्यादातर हम ये वर्ड क्रिकेट में सुनते हैं। क्रिकेट का हमें देखते हैं कि जब हमारा रन तेजी से बनने लगा तो मोमेंटम चेंज हो गया, मोमेंटम बढ़ गया, ऐसा कहता है लोग, है ना। तो वो क्या होता है, स्पीड बढ़ गया बोल के ना, जल्दी जल्दी ज्यादा रन बनने लगा तो क्या क्या मोमेंटम बढ़ गया, यही है मोमेंटम। मोमेंटम यानी कि स्पीड में बढ़ोतरी घटोतरी होना। देखिए मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट होता है मास इंटू वेलोसिटी का, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। अगर कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात करें तो मास उसका हमारा हमेशा सेम रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। मेरा जो मास है वो मेरा मास है, मास यानी कि अमाउंट ऑफ पार्टिकल, मास यानी कि अमाउंट ऑफ पार्टिकल, क्या मास यानी कि अमाउंट ऑफ पार्टिकल। और वेट जो होता है वो डिफरेंट चीज है, मास अमाउंट ऑफ पार्टिकल होता है, वेट जो होता है मास इंटू ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मालूम है, और मास एमजी वो क्या है, वेट जो हम लोग मापते हैं, क्योंकि हम लोग वेट हमेशा ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं ना, हमारे ऊपर क्या लगता है, ग्रेविटी फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है कि नहीं, अर्थ का लगता है, तो इसकी वजह से हमारा वेट अलग होता है। मास होता है हमारे अंदर पार्टिकल्स का अमाउंट कितना है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। तो जो मोमेंटम है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो किसी भी एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो मास क्या होगा उसके लिए कांस्टेंट होगा, होगा सिर्फ क्या चेंज होगा उसका, वेलोसिटी, वेलोसिटी। और हमें मालूम है कि अगर हम लोग किसी नंबर को प्रोडक्ट करेंगे, मान लीजिए 2 × 3 कर रहे हैं, कितना होगा 6, फिर 2 हमारा मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी बढ़ाए 5 कर दिए, क्या हो गया 10। तो देखिए 6 से बड़ा है कि नहीं 10, तो ये वेलोसिटी बढ़ रहा है तो हमारा मोमेंटम भी बढ़ रहा है ना। तो ठीक इसी तरह मास जो होता है किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी चेंज होगा तो हमारा क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। तो मोमेंटम यही है अचानक से किसी चीज का स्पीड बढ़ा देना घटा देना, उसी में मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम क्या है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता होगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी से प्रोडक्ट होता है, मोमेंटम का भी एक डायरेक्शन होगा, यहाँ पे लिखा होगा वेक्टर क्वांटिटी हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, एन एग्जांपल ऑफ मोमेंटम इज बेसबॉल फ्लाइंग थ्रू एयर एंड ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन। अगर एक बंदूक से हम लोग गोली फायर करे तो उस बंदूक में जब तक गोली था वो रेस्ट में, और उसमें से हम लोग फायर कर दिए तो वो अचानक से एक मोमेंटम पा लेता है और मूव करता है, करता है, तो ये क्या, ये मोमेंटम है, क्या मोमेंटम, मोमेंटम किसका पड़ा होता है, मास और वेलोसिटी का, ठीक है। अब देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकेंड लॉ में कहता है कि जो फोर्स है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट पे हम जो फोर्स लगाते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम का, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग अपॉन ए बॉडी, ये है ना, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब कि हमारा जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स किसी एक डायरेक्शन में लगाएंगे और वो अनबैलेंस्ड फोर्स होगा तभी उस कॉज होगा किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज होने का, वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज होने का, या उसको रेस्ट में लाने का, या उसके शेप चेंज करने का। तो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के रेट में चेंज होना, ठीक है, मोमेंटम के रेट में चेंज होना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मोमेंटम पे, मोमेंटम कम हुआ तो कम फोर्स कम लगाए, वेलोसिटी बढ़ाना है तो फोर्स ज्यादा लगाना होगा, फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो मोमेंटम बढ़ेगा, कैसे, फोर्स ज्यादा लगाए वेलोसिटी बढ़ा, और हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू एम वी, वी का मान बढ़ा तो P का मान बढ़ जाएगा, इसलिए फोर्स किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है, मोमेंटम पे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पे, समय के साथ मोमेंटम के
चेंजेस में डिपेंड करता है हमारा फोर्स। के के इक्वल टू वन हमारा इसका एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हम लोग मान लेंगे, और हमें चेंज इन मोमेंटम मालूम है, हो जाएगा आपको एम वी टू माइनस वी वन बाय टी। ठीक है, ऐसे नहीं दूसरे तरीका वाला आसानी से समझ आएगा। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी बाय डी टी, ये भी हमारा चेंज इन मोमेंटम ही शो करता है। ये डी मतलब एक स्मॉल टाइम में, क्या एकदम माइनर स्मॉल टाइम में हमारा मोमेंटम बाय चेंजेस। ठीक, अब क्या करेंगे इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए, के कांस्टेंट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इसका वैल्यू वन मानेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा, हम लोग जानते हैं पी का वैल्यू होता है एम वी बटा डी टी। ठीक है, एम हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये एक फॉर्मूला होता है, कांस्टेंट इसमें से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो के एम डीवी बाय डीटी। अब देखिए डीवी बाय डीटी चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम हो गया, ये चेंज इन मोमेंटम विद टाइम था ना, ये चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम हो गया। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डायरेक्ट नोन एज एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू के एम ए। अब k का वैल्यू हम लोग मान लेंगे 1, therefore f is equal to ma। देखो वेलोसिटी का चेंज v2 minus v1 by t2 minus t1 क्या होता है, एक्सेलरेशन। इससे पहले वाले चैप्टर 8 में हमें ये मिल चुका है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वही यहाँ पे हुआ, dv by dt मतलब वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंजेस हो रहा है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन, इसलिए हम लोग लिखे एफ इक्वल टू एम ए। सेकेंड लो से ही हम लोग फोर्स के फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। फोर्स क्या होता है, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखिए एफ इक्वल टू एम ए है, ठीक है एम ए है, मास क्या होगा किसी ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट होगा, क्या होगा कांस्टेंट होगा, चेंज क्या होगा एक्सेलरेशन। क्लियर, F इक्वल टू एम ए याद रखिएगा फॉर्मूला फोर्स का, और इसका ऐसा यूनिट फिर से मैं बता रहा हूँ न्यूटन। ठीक है, और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको लिखना होगा, तो आप लोग लिख सकते हैं कि जो चेंज इन मोमेंटम विद टाइम जो है, चेंज इन मोमेंटम उसका रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, और यहाँ लिखा अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसने हुआ, चेंज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर, तो न्यूटन सेकंड लॉ आप लोग समझ गए होंगे, फॉर्मूला बस इतना याद रखिएगा डीपी बाय डीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीपी बाय डीटी हम लोग लिखेंगे। ये डीपी बाय डीटी जो है वही है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये डी शो करता है कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हम लोग ये चेंजेस मेजर कर रहे हैं। ठीक है, और ये डी एम वी बाय डी टी ये एक फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, डी एम वी बाय डी टी इसको हम लोग लिखेंगे एक बार एम बाहर डी वी बाय डी टी, और एक प्लस वी बाहर डी एम बाय डी टी। ठीक है, और डी एम बाय डी टी ये कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, इसलिए हमारा सिर्फ केवल क्या बचा एम डी वी बाय dt, ये डिफरेंशिएशन है। अब फिर आप लोग समझ नहीं आएगा, आप लोग इतना याद रखिए कि हमारा d क्या शो करता है, बहुत ही स्मॉल टाइम का शो करता है, और यहाँ पे कांस्टेंट बाहर आ जाता है, dv by dt लिख दिया जाता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ये फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, और dv by dt हमारा क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन, तो वो एक्सेलरेशन हो गया, इसलिए वहां पे इसकी जगह पे हम लोग a लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, और इससे हमारा फॉर्मूला मिल जाता है एफ इक्वल टू एम ए। वन क्या है, यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसे मैं के से डोनेट कर रहा था, के का वैल्यू कितना होता है वन होता है। क्लियर, इसे मिटा दूं। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं सबसे लास्ट लॉ, थर्ड लॉ ऑफ
मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल अपोजिट एक्टिंग ऑन ए डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन, ये क्या है एक्शन, हम लोग एक्ट किए, ठीक है, हम लोग एक्शन लिए, हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट, ये क्या है रिएक्शन, मतलब वो जिस ऑब्जेक्ट पर एक्ट किए वो एक्ट ऑब्जेक्ट हमें वापस में अपोजिट रिएक्शन दिया, इज नोन एज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसे क्या जाते हैं, इससे जानते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के, थर्ड लॉ का नियम जानते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, और एक्शन जो हम लोग करते हैं वो डिफरेंट बॉडी है, देखिए एक्शन हम लोग इस बॉडी पे किए, ये बॉडी हमें रिएक्शन दिया है ना, तो ये बॉडी हमारे ऊपर रिएक्शन दिया, हम इसके ऊपर दिए, तो दोनों डिफरेंट बॉडीज पे एक्शन रिएक्शन हुआ कि नहीं, हम एक्शन किए सामने वाले बॉडी पे, मैं एक्शन किया इस ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे, और व्हाइट बोर्ड ने मुझे रिएक्शन दिया, चोट लगा, ठीक है चोट लगा, तो मैंने एक्शन दिया व्हाइट बोर्ड ने सेम उतने ही फोर्स से मुझे वापस दिया, तो इससे क्या हुआ, ये बोर्ड मेरे ऊपर फोर्स लगाया, मैं इसके ऊपर लगाया, यानी कि दोनों एक्शन रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं, ठीक है ना, और ये क्या होता है इक्वल अमाउंट में होता है, ठीक है इक्वल अमाउंट में, दोनों का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, एक्शन के अपोजिट में होता है रिएक्शन, फोर्स का अमाउंट जो एक्शन रिएक्शन का अमाउंट होता है वो इक्वल होता है, और साथ ही साथ दोनों डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं, मैंने लगाया व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है ये मैं था, मैंने लगाया व्हाइट बोर्ड पे, और फिर व्हाइट बोर्ड ने लगाया मेरे पे, तो देखिए पहले मैं लगाया था व्हाइट बोर्ड पे, बाद में व्हाइट बोर्ड लगाया मेरे पे, दोनों फोर्स जो है एक्शन रिएक्शन अपोजिट डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट कर रहे हैं, अपोजिट फोर्स है, अमाउंट इक्वल है, ठीक है यही है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिस पे भी हम लोग एक्शन लेते हैं ना वो हमें इक्वल अमाउंट में एक रिएक्शन देता है, जैसे कि एग्जांपल आप लोगों को एक बंदूक का लेते हैं, जब कोई बंदूकधारी यानी कि गन चलाने वाला गन चलाता है तो जिस स्पीड से बुलेट निकलता है ना उस गन से, ठीक उसी तरह बुलेट आगे की तरफ जाता है ना, वो पीछे की तरफ भी एक रिएक्शन देते हुए जाता है, क्या जाता है पीछे की तरफ रिएक्शन देते हुए जाता है, और जिसकी वजह से हमें पीछे की तरफ थोड़ा गन धक्का देता है, जो गन चलाया वही फील करेगा, आप लोग इजिली फील कर सकते हैं अपना चलने वाला बात, देखिए आप लोग को पिक्चर में यहाँ गन भी दिया है और हमारे चलने का भी दिया है, हम जब चल रहे हैं मैं पांव बनाया हूँ, हम लोग चलते हैं तो एक डाउनवर्ड अर्थ फोर्स लगाते हैं, ठीक है क्या करते हैं डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं और एक बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं, ठीक है और तब हमारा क्या करता है अर्थ क्या करता है एक अपवर्ड और फॉरवर्ड फोर्स रिएक्शन में देता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं मूव कर पाते हैं, आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। इसके बाद तीसरा एक एग्जाम्पल दिया है कि एक बच्चा नाव पे से साइड के बीच पे कूद रहा है, क्या कर रहा है साइड में कूद रहा है, तो उस नाव से जब जंप करता है तो वो नाव ऑब्वियसली पीछे की तरफ जाएगा, जब वो नाव पीछे की तरफ जाएगा ना उसका फीट जो उसका पाव है वो नाव पे जो फोर्स लगाया जिसकी वजह से नाव पीछे जा रहा है, तो नाव भी उसके फीट को एक क्या कर रहा है फोर्स दे दे रहा है जिसकी वजह से वो आगे की तरफ जंप कर जा रहा है, क्लियर, तो ये भी क्या है थर्ड लॉ के, थर्ड लॉ का नियम का एक एग्जाम्पल है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दोनों एक्शन रिएक्शन होगा दोनों डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करेगा, ठीक है ना डिफरेंट बॉडीज, व्हाइट बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड मेरे पे डिफरेंट बॉडीज डायरेक्शन अपोजिट एक दूसरे के, ठीक है लेकिन अमाउंट इक्वल, अमाउंट इक्वल, अमाउंट
याद रखिएगा अमाउंट इक्वल अमाउंट में फोर्स वापस देगा रिएक्शन में। क्लियर? तो ये था गति का तीसरा नियम, इसका आगे देखते हैं। ओह थैंक यू, इतने पे ही आज का प्रेजेंटेशन और मेरा यहाँ पे लेक्चर क्लास खत्म। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फोर्स क्या है समझ आया होगा और साथ ही साथ न्यूटन का जो तीनों नियम है वो समझ आ गया होगा और बीच बीच में मैंने उसमें इनर्सिया और मोमेंटम भी बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये पढ़ाया क्लास अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी अगला वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो देख सको। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।